हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी स्वर्णा। गाइस, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज कूलिंग पीरियड, व्हाई देयर इज अ कूलिंग पीरियड एंड कैन वी अप्लाई ड्यूरिंग एन कूलिंग पीरियड। गाइस, अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एक कैबिन क्रू के लिए कूलिंग पीरियड क्या होता है, ठीक है, क्यों होता है कूलिंग पीरियड, कब होता है और क्या हम कूलिंग पीरियड में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कूलिंग पीरियड के बारे में सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। जो भी आपके छोटे 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 डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। मुझे कुछ दिन पहले किसी कैंडिडेट ने कमेंट करके पूछा था कि मैम कूलिंग पीरियड कितने समय के लिए होता है, तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कूलिंग पीरियड क्या होता है। तो कूलिंग पीरियड वो होता है जब आप फाइनल राउंड में किसी भी एयरलाइन में जब आप फाइनल राउंड में जाके रिजेक्ट हो जाते हैं तो कूलिंग पीरियड होता है, उसे हम कूलिंग पीरियड कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर हम बात करें इंडिगो एयरलाइंस की, तो इंडिगो एयरलाइंस में 5 राउंड्स होते हैं, ठीक है, कभी 5 राउंड्स होते हैं, कभी कभी 4 राउंड्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए इंडिगो एयरलाइंस में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अब वहाँ पर 5 राउंड्स हो रहे हैं और आपने सारे राउंड को क्लियर कर लिया, लाइक फर्स्ट भी क्लियर हो गया आपका कम्युनिकेशन राउंड, आपने BMI भी क्लियर कर लिया, ग्रुप डिस्कशन भी क्लियर कर लिया, अपने पर्सनल इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, लेकिन आप 5th राउंड है जो कि वीडियो कॉलिंग राउंड है, ठीक है, आप 5th राउंड में जाके अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं जो कि फाइनल राउंड है उस इंटरव्यू का, तो आप कूलिंग पीरियड में आ जाते हैं, ठीक है। उस दिन से आपका कूलिंग पीरियड शुरू हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं जैसे कि अलग अलग एयरलाइंस है तो उनके कूलिंग पीरियड्स क्या कितने समय के लिए होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस की, तो इंडिगो एयरलाइंस का कूलिंग पीरियड 3 मंथ्स का होता है, विस्तारा एयरलाइंस का 6 मंथ्स का होता है, एयर एशिया का भी 3 मंथ्स का होता है। इस तरीके से हर एयरलाइन का अपना डिफरेंट डिफरेंट कूलिंग पीरियड होता है। अब हम बात करते हैं कि कूलिंग पीरियड कब नहीं लगता है। तो देखिए, कूलिंग पीरियड तब नहीं लगता है जब आप फर्स्ट राउंड में, यानी कि आपका जो इंट्रोडक्शन राउंड है, आप फर्स्ट राउंड में अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपके ऊपर कोई कूलिंग पीरियड नहीं लगती है। अगर मान लीजिए इंटरव्यू में 3 राउंड्स हो रहे हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि अगर मान लीजिए इंटरव्यू में 3 राउंड्स होने वाले हैं, आपने फर्स्ट राउंड को आप फर्स्ट राउंड में जाके रिजेक्ट हो जाते हैं तो कोई कूलिंग पीरियड नहीं लगता है, आप आराम से जाकर के इंटरव्यू दोबारा दे सकते हैं, उसी जगह पर जाके दे सकते हैं, नेक्स्ट डे भी जाके दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप 2nd राउंड में रिजेक्ट हो जाते हैं तो भी आपके ऊपर कोई कूलिंग पीरियड नहीं लगती है। अगर आप 3rd राउंड में, जो कि फाइनल राउंड होता है, उसमें अगर आप रिजेक्ट होते हैं तभी आपके ऊपर कूलिंग पीरियड लगती है। आप फर्स्ट में रिजेक्ट हो रहे हो, 2nd में रिजेक्ट हो रहे हो, 3rd में हो रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या कूलिंग पीरियड में हमें इंटरव्यू देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, जब आप फाइनल राउंड में जाके रिजेक्ट हो जाते हैं तो HR आपको कह देते हैं कि आप 3 मंथ्स के लिए या फिर 6 मंथ्स के लिए कूलिंग पीरियड में हैं। तो देखिए, कूलिंग पीरियड में जब कोई कैंडिडेट रहता है उसे कूलिंग पीरियड में क्यों डाला जाता है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आपके अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं है या फिर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है, इस वजह से वो आपको कूलिंग पीरियड में डाल देते हैं। कूलिंग पीरियड में HR तभी आपको डालते हैं जब वो देखते हैं कि हाँ, इस बंदे में या इस लड़के या इस लड़की में क्वालिटी है बट इसे तरीका नहीं पता है, या फिर होता है ना कि आपके अंदर काबिलियत होती है बट आप उसको दिखा नहीं पाते हो सही से, बस वही चीज़ें होती हैं। तो अगर आप, मतलब आप कूलिंग पीरियड में अगर आपको रखा गया है तो आप उस कूलिंग पीरियड के ड्यूरेशन में इंटरव्यू देने नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप जाते हैं तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। फॉर सपोज, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मैं कूलिंग पीरियड में हूँ तो मैं इंटरव्यू देने नहीं जा सकती हूँ उस एयरलाइन के लिए, स्पेशली उस एयरलाइन के लिए मैं इंटरव्यू नहीं देने जा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं दूसरे ईमेल आईडी से या दूसरे फ़ोन नंबर से मैं दोबारा से अप्लाई करूँ, तो गाइज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब आप कूलिंग पीरियड में होते हो ना तो आपका जितना इन्फॉर्मेशन होता है सारा इन्फॉर्मेशन एयरलाइन के पास होता है, ठीक है, आपका नाम, आपका शक्ल, सब कुछ उनको पता होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचोगे कि मुझे 6 महीने के कूलिंग पीरियड में रखा गया तो मैं 4 महीने के बाद जाके इंटरव्यू दे दूंगा या दे दूंगी, उनको कौन सा याद होगा, तो ऐसा नहीं है। एयरलाइंस के पास में सारा इन्फॉर्मेशन होता है, और अगर फिर भी आप सोचोगे कि मैं जाके दे दूंगी, और अगर मान लीजिए आप जाके इंटरव्यू दे भी देते हैं और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर जब वो सिलेक्शन के बाद जब वो आपका चेकिंग करेंगे, मतलब इन्फॉर्मेशन जब वो चेक करते हैं कि हाँ ये कैंडिडेट फिट टू फ्लाई है या नहीं, तो उसमें अगर आप पकड़े गए, उनको अगर पता चल गया कि आप कूलिंग पीरियड में थे बट आपने आकर फिर भी इंटरव्यू दिया है,
तो उस केस में कभी कभी क्या होता है कि एयरलाइंस आपको टर्मिनेट कर देगी। अब टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, देखिए टर्मिनेट का मतलब वो होता है जब अगर किसी कैंडिडेट को टर्मिनेट कर दिया जाता है तब वो कैंडिडेट कभी भी उस एयरलाइन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ना ही 6 महीने के बाद, ना ही फ्यूचर में कभी भी, ठीक है। तो यही होता है टर्मिनेट, अगर आपको टर्मिनेट कर दिया गया है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि एयरलाइन आपको हमेशा के लिए टर्मिनेट कर देगी, इसका मतलब है कि आप किसी भी एयरलाइन में फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको कूलिंग पीरियड में रखा गया है 3 मंथ्स के लिए या फिर 6 मंथ्स के लिए, तो वो आपके लिए बहुत ही, उसको आप नेगेटिव सेंस में मत लीजिए कि मेरे अंदर क्वालिटीज़ नहीं है इस वजह से मुझे कूलिंग पीरियड पे रखा गया है। नहीं, अगर आपको कूलिंग पीरियड में रखा गया है तो उसको आप एक एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ पॉजिटिव वे में लीजिए। आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, आपके अंदर जो भी कमी है उसको आपको 3 महीने या 6 महीने के अंदर, जो भी आपका कूलिंग पीरियड का ड्यूरेशन हो, उसके अंदर आपको अपनी कमियों पर काम करना है, ताकि आप जब दोबारा इंटरव्यू देने जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कूलिंग पीरियड पे रखा गया है तो क्या हम दूसरे एयरलाइंस में जाके अप्लाई कर सकते हैं? तो यस, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर सपोज़ अगर आप इंडिगो एयरलाइंस की कूलिंग पीरियड में हैं, तो उस 3 मंथ्स का जो कूलिंग पीरियड है उस टाइम पे आप दूसरे एयरलाइंस में जाके, जैसे कि विस्तारा, एयर इंडिया, एयर एशिया और किसी अदर एयरलाइंस में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आप इंडिगो में नहीं कर सकते हैं, बाकी आप किसी भी अदर एयरलाइन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कूलिंग पीरियड क्या होता है, क्यों होता है। तो बस यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। कोई भी अगर डाउट हो कूलिंग पीरियड से रिगार्डिंग, या कोई पॉइंट मैं मिस कर दी हूँ, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली एयरलाइंस की वीडियो लेकर आती हूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।